फोटोशॉप में किसी की भी स्किन को नेचुरली फेयर या फिर डार्क करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, ब्रश टूल लेते हैं, सॉफ्टेस्ट ब्रश लेते हैं, वाइट कलर लेते हैं और इस पे हल्का सा लो ओपेसिटी के साथ पेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये रॉन्ग तरीका है, सही तरीका चलिए आपको बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है इस डॉट पे, ब्लैक एंड व्हाइट डॉट पे, और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्टिव कलर। और सिलेक्टिव कलर करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर रेड कलर को सिलेक्ट करेंगे, और जैसा कि आपको पता है हमारी स्किन रेड और येलो कलर से मिलके बनी है, तो हम इन दोनों को ही लेंगे। सबसे पहले रेड को कलर लेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे और जो ब्लैक कलर है, जैसे इसको मैं राइट हैंड साइड में करूंगा तो देखिए इससे हम स्किन को और डार्क कर सकते हैं। तो इससे किसी की भी स्किन को हम डार्क कर सकते हैं। और जैसे इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये जो कलर है वो लाइट हो गई है, यानी कि स्किन हमारी फेयर या फिर गोरी हो गई है, ठीक है। सो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये स्किन डार्क हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो गोरी हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। उसके बाद ये जो तीन स्लाइडर्स है, सायन, मेजेंटा और येलो, इनको भी आप एडजस्ट करके देख सकते हैं। जो भी रिजल्ट आपको सही लगे वहां पर आप जा सकते हैं। उसके बाद हम इसी तरह येलो कलर को चूज कर लेंगे, और येलो कलर में भी अगेन ब्लैक को हम जैसे राइट हैंड साइड करेंगे तो ये डार्क करेगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये लाइट कर देगा, यानी कि गोरा कर देगा। सो समथिंग लाइक दिस इज जस्ट फाइन। और उसके बाद हम तीनों स्लाइडर्स को भी एडजस्ट करके देख सकते हैं हमारी स्किन टोन को किस तरह से हमें करना है। सो ये था बिफोर एंड ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये हो गया हमारा नेचुरल तरीके से किसी की भी स्किन को आप फेयर कर सकते हैं या फिर डार्क कर सकते हैं। इसी तरह की और भी अमेजिंग फोटोशॉप टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।